इम्प्रूव हो जाएगी एज वी गो फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का एहसास लें कि जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें भी बेहतरी आई है, और प्रोडक्टिव सेक्टर से मुराद मेरी एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें उम्मीद है कि हमारी रिजल्ट्स अच्छी आएंगी, वेदर इट्स गॉट टू डू विद क्रॉप्स और इट्स गॉट टू डू विद मेजर क्रॉप्स और माइनर क्रॉप्स, और इससे एग्रीकल्चर की इम्प्रूव रिजल्ट से हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। आपको पता है कुछ लोग शिकायत करते हैं इंडस्ट्रीज में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं एंड ऑल दैट। हमने डेटा को एग्जामिन किया और कुछ प्रोडक्टिव सेक्टर्स में बेहतरी आ रही है, चाहे वो सीमेंट हो चाहे कुछ हो। सो तो एक्टिविटी जैसे जैसे पिक कर रही है, इंडस्ट्री की हालत भी बेहतर होती जा रही है। और अगर आप सर्विसेज सेक्टर को देखें तो सर्विसेज सेक्टर तो बहुत वाइब्रेंट है इस वक्त, और सर्विसेज सेक्टर का लिंकेज हर सेक्टर के साथ है। अच्छा, उसके अलावा अभी आपने सुना होगा कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने जो है ना इंटरेस्ट रेट्स को सेंट्रल बैंक ने नहीं बढ़ाया, उसको स्टैग्नेंट रखा है। अब इससे भी बेहतरी आएगी बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंडस्ट्री की कम हो जाएगी, और इंशाल्लाह थ्रू दैट होल मैकेनिज्म इंडस्ट्री में रिवाइवल भी हो जाएगा। उसके बाद हमने डोनर से काफ़ी बातचीत की है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिसाइड्स द नॉर्मल फ्लो जो आते हैं डोनर्स को, कि कुछ एरियाज़ में फास्ट ट्रैक हो जाएगा। मेरी वर्ल्ड बैंक से बातचीत चली हुई है, तो टोटल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्यूमुलेटिव असिस्टेंस यहाँ पे तकरीबन $2 बिलियन तक हो जाए। हमने दूसरे भी एंटिटी की है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वहाँ से भी खुश आई खबर मिली है कि वो जो राइस प्रोग्राम जिसका आपने बहुत सुना होगा उसको हम फास्ट ट्रैक करके रिलीज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा फोकस है कि हम उन एक्टिविटीज़ पे अब काम करें जिससे कि हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, और ये भी हम चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़े पाकिस्तान इकोनॉमी में, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो स्मूथली पाकिस्तान में आए और ज़्यादा आए। इसके लिए हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, कुछ हुकूमत कर रही है, कुछ SLIFC की तरफ से हम लोग मिलकर उनके साथ कर रहे हैं, और इसका बहुत बेहतरीन असर होगा बिकॉज हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर ठीक हो जाए तो ये इकॉनमी विल गेट इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इटसेल्फ। तो कुछ ये ऐसी बातें हैं कि फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी रिज़र्व पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारी आउटफ्लो इनफ्लो है उसके मुताबिक से इट इज़ क्वाइट स्टेबल इन माय व्यू। आपको पता होगा पिछले दिनों हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनीज का रिफॉर्म किया है, और इस रिफॉर्म मेजर से और स्मगलिंग एंटी स्मगलिंग की एफर्ट से हमारा रुपया जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है, और ये स्टेबिलिटी आई है विदाउट एनी बैंक इंटरवेंशन। उधर से स्मगलिंग है, उधर से हमने एक्सचेंज कंपनीज के रिफॉर्म्स किए हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और आज सुबह मैंने उसका आपको अलग क्लिप भिजवा देंगे सोलंकी साहब, मैंने अभी तैयार किया है कि हमने रेमिटेंसेस के लिए कोई 80 बिलियन के करीब रुपीज़ एलोकेट किया था, उसमें से 20 बिलियन आज हमने रिलीज़ किया है बैंक्स को, ताकि वो रेमिटेंसेस को फॉर्मल चैनल्स के थ्रू लेकर आए। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है। हम इसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं,
तो इस तरह मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकती हूँ जिससे आपको एहसास होगा कि ये हुकूमत अपनी स्लीव्स रोल करके एक्चुअली काम कर रही है और जिसके जो अच्छे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। मोहम्मद अली साहब जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको पावर और पेट्रोलियम दोनों के अंदर जो काम हो रहे हैं इस वक्त उस पर आगाह कर देता हूँ। पहली बात तो आपने देखा होगा मीडिया में और पूरे मुल्क में जो बिजली की चोरी है उसके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उसके बड़े अच्छे नतीजे निकले हैं अभी तक। हमारे सोशल मीडिया पे और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने देखा होगा कि जो FIRs कटी हैं और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए गए हैं और जो रिकवरी हो रही है, बिलिंग भी हो रही है ज़्यादा और रिकवरी भी हो रही है, तो हमारी कलेक्शन थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो चोरी थी वो कई सालों से इस मुल्क में हो रही थी लेकिन उसको उस तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा था और उस तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अभी हमें 10 दिन हुए हैं चोरी के अगेंस्ट मुहिम शुरू किए हुए और ऑलरेडी इसके नतीजे बड़े अच्छे आना शुरू हुए हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगी, ये कोई चंद दिनों की वो नहीं है मुहिम, और इसके ऊपर हम काम जारी रखेंगे। हमने इसके अंदर पावर डिवीज़न में एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया है, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था, और प्रोविंसेस की मदद के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेकर हम ये काम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में हम इसके अंदर और तेज़ी लाएंगे। आज बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरीज, IGs, चीफ मिनिस्टर्स और कुछ और मिनिस्टर्स थे फेडरल, और इसके अंदर ये फैसला किया गया है कि इसके ऊपर और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम होगा आने वाले वक्तों में और फोर्सेस भी इस पर असाइन की जाएंगी इसको रिकवर करने के लिए। दूसरी बात ये कि जो चोरी तो पकड़ना एक चीज़ है लेकिन साथ साथ हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसके अंदर उनके हालात, उनकी गवर्नेंस, उनकी मैनेजमेंट भी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर तो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमने डिस्कोस के जो बोर्ड्स हैं उनको चेंज करने के ऊपर काम शुरू किया है, हम कुछ डिस्कोस के CEOs भी चेंज करेंगे और वहीं से फिर बेहतरी आना शुरू होगी। साथ साथ डिस्कोस जो हैं जो कि गवर्नमेंट के पास हैं उसके हम तीन ऑप्शंस के ऊपर हमने काम शुरू किया है कि किस तरीके से डिस्कोस का एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए। हम वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं कि इनके अगर कंसेशन अग्रीमेंट्स हम लॉन्ग टर्म प्राइवेट सेक्टर को दे दें, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम प्रोविंसेस को ये दे दें, और तीसरा ऑप्शन है कि इसकी हम प्राइवेटाइजेशन करें। हम तीनों ऑप्शंस को देख रहे हैं और इसमें फिर जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा डिस्कोस के लिए, मुल्क के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ साथ मैं बताते चलूँ कि हमारी कोशिश ये है कि कंज्यूमर्स के ऊपर, हमें पता है कि बिजली महंगी है, बिजली के रेट्स बढ़े हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स के ऊपर जितना कम से कम बर्डन हो जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम कंज्यूमर्स पे पास ऑन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज करनी पड़ रही हैं वो पिछले एक माह की तो गलतियाँ नहीं, पिछले कई बरसों की गलतियाँ हैं। दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँ। कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है पिछले कोई एक साल से उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई है। अब वो एडजस्टमेंट जब एक साल की एक साथ होगी तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ेगा, तो हमने उसमें कोशिश की है, नेपरा से बात की है, KE को इन्वॉल्व किया है कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टैगर करें ताकि कंज्यूमर्स पर बहुत सारा बर्डन ना पड़े एक साथ। इवन जो बाकी मुल्क है उसके अंदर जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है उसको भी हम स्टैगर कर रहे हैं, और जो तीन तीन माह की एडजस्टमेंट होती है उसको हम थोड़े लंबे अरसे में कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। तो हमारी कोशिश है कि इस वक्त चूंकि बिजली के बिल्स का एक इशू भी है और थोड़ी प्राइस भी बढ़ी है पाकिस्तान में, तो उसको हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं करें। साथ साथ जो सर्कुलर डेट है हमारा, जो बहुत बड़ा मसला है पिछले कोई 10-15 सालों में पाकिस्तान में, चूंकि बिजली की चोरी भी थी, कलेक्शन भी नहीं थी और डिस्कोस की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, तो बिजली का जो पूरा हमारा निज़ाम है उसके अंदर आज की तारीख में 2500 अरब का नुकसान खड़ा हुआ है।
अभी 2500 अरब का नुकसान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुल्क में, और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बिजली का तो 2500 अरब है, गैस का जो नुकसान है वो 2900 अरब पे पहुंच चुका है। अब ये चीज़ें पिछले 10-15 सालों में हुई हैं और इसको बिल्कुल ही एड्रेस नहीं किया गया, इनको मैनेज नहीं किया गया, और ये कॉन्स्टेंटली बैंकों से उधार लेकर या कंपनीज को पैसे ना देकर ये डेट अक्यूमुलेट होता गया। अब अगर कोई किसी को उधार देता है तो उस पर सूद तो चार्ज करेगा। 2500 अरब के ऊपर हम सूद दे रहे हैं आज की तारीख में माजी की गलतियों की वजह से पावर सेक्टर के अंदर, और 2900 अरब के ऊपर हम सूद दे रहे हैं गैस सेक्टर के अंदर। तो ये 5400 अरब का जो लॉस खड़ा हुआ है पूरे एनर्जी सेक्टर में, ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हमें हल करना है। हम उसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं कैसे इसको हल करें। ये बहुत बड़ा नंबर है, 18 अरब डॉलर का नंबर है, लेकिन इसका हल निकालना होगा क्योंकि इसके ऊपर हम तकरीबन 1000 अरब का सूद देते हैं साल का। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है मुल्क में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्द इसका हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। एक वजह जिसकी वजह से बिजली पाकिस्तान में महंगी हुई है, और इवन जो पेट्रोल का भी दाम जो है ना वो एडजस्ट होता है ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान में जो हम हमारे मुल्क से जो गैस निकालते हैं हमारे रिजर्व्स में और जो ऑयल निकालते हैं वो पिछले 10 सालों में कंटिन्यूसली कम हुआ है। 2013-14 में पाकिस्तान में जितना हम तेल और गैस निकालते थे, और आज जो तेल और गैस निकालते हैं आज हम 3.5 अरब डॉलर कम निकालते हैं, 3.6 बिलियन डॉलर का हम तेल और गैस कम निकालते हैं हमारे मुल्क में आज 10 साल पहले के मुकाबले में, जबकि हमारे रिजर्व जो हैं हमने और ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं। उसकी सिंपल वजह यह है कि इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जो पॉलिसीज थी जो प्राइसिंग थी वो बिल्कुल गलत थी। वो ऐसी प्राइसिंग थी कि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चली गई और सारे का सारा जो बोझ जो है हमारी 2-3 कंपनियों के ऊपर है। तो हम वो पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं ताकि हम अपने मुल्क से अगर गैस और ऑयल निकालेंगे तो फिर हमारे मुल्क में रिलायंस हमारे ही अपनी फ्यूल पर होगी और इम्पोर्ट पर नहीं होगी। लेकिन ये वो काम है जो चंद माह में नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी माह कुछ बरस लगेंगे, लेकिन हम इस मामले को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने एक चीज़ ये की है कि सुई साउथ के साथ मिलके जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर गैस फील्ड्स हैं कि जो कि जल्दी निकल सकती हैं अगले 6 माह के अंदर या 3 माह के अंदर, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको हम पूरा मंडे को पीर को सुई साउथ वाले आ रहे हैं इस्लामाबाद, और उनके साथ बैठ कर हम उन तमाम फील्ड्स के ऊपर जो है प्राइसिंग फाइनलाइज करके उनके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं। मंडे को हमने सुई नॉर्थ को भी बुलाया, उनके साथ भी यही काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं उनको हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे डॉलर्स भी कम इस्तेमाल हों, इम्पोर्ट भी कम हो, और जो कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है वो भी कम से कम हो। साथ साथ जो है इस वक्त मुल्क के अंदर गैस जो है उसकी अब चूँकि सर्दियाँ होंगी उसकी एक गैस की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हम गैस लोड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कम लोड शेडिंग हो और लोगों को गैस मिले। तो इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है, हर फ्रंट पे काम हो रहा है। पावर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पूरी टीम्स काम कर रही हैं इसके ऊपर। हमने इसमें वर्ल्ड बैंक, ADB, IFC को भी इंगेज किया हुआ है, और हम IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें, बड़ा नुकसान कर सकें, तो वो हम नहीं कर सकते। तो हमें नुकसान करे बगैर कोई एडिशनल सब्सिडी लिए बगैर हमें सारे काम करने हैं। तो फिर भी हम ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह इन पर काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। जी सवाल जी, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक ही क्वेश्चन प्लीज़ दीजिएगा ताकि फिर कुछ दोस्त रह जाते हैं वो नाराज़ हो गए। तो शुरू करिए, सबसे पहले जी इतरत जाफरी साहब। मेरा जो सवाल है कि वो वजीर खजाना से है। मैडम, ये जो IMF का प्रोग्राम है वो जो चल रहा है उसको ऑन ट्रैक पर रखा है। शायद है कि मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं वो उनमें नजर आ रहा है, और कस्टम ड्यूटी के वक्त में जो रेवेन्यू है वो मुसलसल गिर रहा है। तो ये जो IMF के साथ शर्त है आपकी कि आपने एहतियात के रेवेन्यू को मुकर्र हदफ के मुताबिक रखना है, अगर कस्टम ड्यूटी में 2100 अरब रुपये का शॉर्टफॉल आएगा तो आपके पास उत्पादन प्लान क्या है? जी, शॉर्टफॉल इंडीड कस्टम्स ड्यूटी में आ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल FBR के रेवेन्यूज़ को देखें, देर हैज़ बीन
in both the first 2 months of the fiscal year, they have exceeded the target, जो monthly targets हैं. तो देखें, एक तो ये बहुत गलत बात है structurally, जो हमारे taxation system की इतनी ज़्यादा dependence है on custom duty. ये दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं होता. Imports जो है वो बहुत ही important है हमारी industry के लिए. अगर हम इम्पोर्ट्स को क्रश करेंगे या ओवर टैक्स करेंगे, जो कि होता रहा है पिछले सालों में, तो इंडस्ट्री फिर ग्रो नहीं करती, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट, हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इम्पोर्ट इंटेंसिव है. हमारे यहाँ ना इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ना रॉ मटेरियल है इफेक्टिवली. आप ऑयल को देख लें, ऑयल इस एब्जॉर्बिंग द बल्क ऑफ आर इम्पोर्ट बिल. इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ आर इम्पोर्ट बिल. और इस वक्त क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर एट ऑन द हाई साइड, और उसमें ऑयल भी शामिल है, एंड दिस इज़ एन ऑयल डिपेंडेंट इकोनमी बहुत सिग्निफिकेंटली, तो हमारे लिए एक ये बड़ा प्रेशर है अनडाउटेडली कि इम्पोर्ट्स चूँकि कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, और उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, वो हमने किया है. लेकिन जो मेन इशू है वो स्ट्रक्चरल इशू है रेवेन्यूज का, कि हमने अपने टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया, हमने अपने जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत वी हैवंट रियली gone to enhance हमारी जो टैक्स नेट में जो हम लोगों को लेकर आए वो अभी भी बहुत लिमिटेड है. हालांकि कंटिन्यूस एफर्ट जारी है FBR में, बट आप देखें ये इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे बहुत अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, डिफरेंट हैं, जिनमें टैक्स पेइंग कैपेसिटी है, हमने उसको एनहांस नहीं किया. और फिर हमारी कलेक्शन में भी मसाइल काफ़ी रहे हैं, तो वो अब FBR उसको करेक्ट कर रही है. तो जो टारगेट IMF के साथ तय पाया है उसको वो इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे. इसका IMF के साथ हो ना हो, हमें जो है ना अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स को पाकिस्तान की खातिर मीट करना है. वेदर ये IMF की कंडीशनैलिटी मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हमने अपने मुल्क में इतने रेवेन्यूज जेनरेट करने हैं ताकि हम अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकें, रादर देन डिपेंड ऑन दी अदर्स. तो अभी इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं FBR में वो ये है कि हम सारा स्ट्रीमलाइन टैक्स सिस्टम को करें, ताकि हमारे जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको तकलीफ़ ना हो इन जो टैक्स की कलेक्शन में अक्सर इश्यूज आते हैं, उनको हम वी ट्राइंग टू ईज द टैक्स कलेक्शन रिजीम जितना भी हम कर सकें. तो आई वैसे एक मैं आपको बता दूं, ये कहना कि जी हमें IMF ये कह रही है वो कह रही है, मेरे ख्याल में इस बात को अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम करेंगे अपने मुल्क के लिए वो कम है. तो हमें खुद इसको ओन करना है, IMF और नो IMF. क्या निशान जी? तरतीब हम बनाते हैं, आपका नाम तरतीब हम बनाते हैं, नाम आपका अभी बनाते हैं, हमने दिखाया पहले आज. सर आपको क्वेश्चन चाहिए आपको? डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ही है, जो वैलसी ट्राई करेंसी के करेंसी के साथ जो रक्षा करते हैं, जोर से बोलिए. मेरा कहा जो करेंसी के ऊपर काफी ड्राइव चल रही है, करंट चल रहा है, उसका उसके साथ IMF की कितनी एक एंगेजमेंट है वो उनको सेटिस्फाई करती है. और दूसरा आपने पूरी दुनिया में काम किया हुआ है मल्टीलेटरल के साथ में, तो आपके ख्याल में ये जो SIFC टाइप के जो साइलोस में ऑपरेशन होते हैं, क्या ये पूरे मुल्क की कानून को ठीक किए बगैर इससे कोई ग्रोथ लॉन्ग टर्म को अच्छी जी सकती है? तो पहले सवाल पहले उसका जवाब दे देते हैं. देखिए ये जो हमने करेंसी के रिफॉर्म्स, जिसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहूँगी, जो ये हम कर रहे हैं, ये करेंसी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं. अब दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं.
एक जो स्टेट बैंक के अंडर आए हैं एक्सचेंज कंपनीज के रिफॉर्म. देखें ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पे एक्सचेंज कंपनीज नहीं होती और सारा काम इंटरबैंक के थ्रू होता है. तो अब चूँकि पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सी एक्सचेंज कंपनीज आर डूइंग द राइट वर्क. और जो हमने एनालिसिस किया उससे हमें एहसास हुआ कि एक्सचेंज कंपनीज कुछ ज़्यादा ही उनके नंबर बढ़ गए हैं. उसकी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, उसकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है. सो एक्सचेंज कंपनीज टुडे आर बीइंग कैपिटलाइज्ड प्रॉपरली. वो पहले 200 मिलियन देते थे, अब उनको 500 मिलियन. और ये हम इस तरह नहीं कर रहे कि कल बढ़ा रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं. और इस एक्शन के थ्रू हम ए एक्सचेंज कंपनीज की रेगुलेटरी जो है टाइटन कर रहे हैं और साथ इनक्रेज कर रहे हैं दूसरी एक्सचेंज कंपनीज को कि वो मर्ज हो जाएं स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज कंपनीज के साथ. तो इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन ऑफ द एक्सचेंज कंपनीज कहते हैं और उनकी एनफोर्समेंट और सुपरविजन को टाइटन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी जो है प्रॉपर यूटिलाइज करें अपनी फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज के सीक्वेंस को. दूसरा जो कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने काम किया है विच इज़ टू हैव अ क्रैक डाउन ऑन द करेंसी स्मगलर्स ऑन द बॉर्डर, जो ग्रे मार्केट जिसकी वजह से बहुत बढ़ गई थी. तो उससे हमारी करेंसी को सेल्वेज किया है और ये कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी करेंसी के साथ खेला जाए. तो ये एक्शंस दोनों अपनी तौर पे हुए हैं और इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम एक्सचेंज रेट को नहीं मैन्यूपुलेट कर रहे. एक्सचेंज रेट में हम इंटरवीन नहीं कर रही सेंट्रल बैंक. हमारी सेंट्रल बैंक प्रिंसिपली ने जो रिफॉर्म्स किए हैं एक्सचेंज कंपनीज के वो किए हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये करेंसी होर्डिंग, स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर इरेगुलर ट्रेड ऑफ आर करेंसी, मिसयूज ऑफ आर करेंसी, उसको कंट्रोल किया है जो हर मुल्क करता है. इसका IMF के की शरायत के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. दे आई एम श्योर दे वुड अप्रीशिएट जो हम काम कर रहे हैं बिकॉज हम उसको इंटरवीन नहीं कर रहे. इंटरवेंशन इज़ अ प्रॉब्लम बट फिक्सिंग आर रिजीम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ मेकिंग श्योर के इलीगल चीज़ें ना हो हमारे मुल्क में. दूसरा आपने उसका SIFC का पूछा. देखिए आई हैव सीन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट क्रिटिसिज्म है जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ करने जाते हैं अपने मुल्क में. देखिए वी आर गोइंग थ्रू एन SBA ऑफ IMF. उसमें क्या होता है, वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट, वी हैव टू मेक श्योर के वी कंप्रेस थिंग्स. हमें रेवेन्यूज रेज करने हैं, हमने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, हमें डिमांड अपनी रिड्यूस